बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन वीडियो लिंक क्लासेस जमात मुफ्तम मजमून उर्दू तारीख 2 जनवरी 2021। प्यारे बच्चों अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सब अपनी उर्दू की वर्क बुक का पेज नंबर 56 और 57 खोलें। आज हम पढ़ेंगे आज हम जुमले बनाएंगे, यानी कि काम हमने जो इसका पिछला काम हमने पहले कर लिया था इस सबक का, आज हम ये काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नीचे दिए हुए मुहावरात को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें कि मफहूम वाज़े हो जाए, यानी कि ये मुहावरात जो हैं कि हम जो हमने पीछे सबक पढ़ा है उनमें इस्तेमाल हुए हैं, इन्हें हमें जुमलों में इस्तेमाल करना है, यानी कि हमें जुमले बनाने हैं। जैसे कि कूच करना, 14 अगस्त 1947 को बहुत से मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान कूच कर गए। बड़े बोल बोलना गरूर की अलामत है। कयामत टूट पड़ना, 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल में शहीद होने वाले बच्चों के घरों में कयामत टूट पड़ी। दरबदर होना, 2005 में इस्लामाबाद में जलजला आया जिससे काफ़ी लोग दरबदर हो गए। किस्सा पाक होना, चिड़ियों और मेंढकों ने हाथी का किस्सा पाक कर दिया। टिक्का बोटी होना, हाथी के पाँव तले बहुत सी मेंढकें टिक्का बोटी हो गई थी। ठीक है, ये इस तरह मैंने जुमलों में इस्तेमाल किए हैं। अगर आप चाहें तो आप भी मतलब अपनी तरफ से कोई भी इस तरह इन मुहावरात के जुमले बना सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 56 और 57। इसके बाद आपका है पेज नंबर 57 में अल्फाज के मायने लिखें। ये अल्फाज दिए होंगे आपके बुक में, इनके आपने मायने लिखने हैं। जैसे निभा करना के मायने हैं वक्त गुजारना, बदबख्ती के मायने हैं बदकिस्मती, तनबीह करना के मायने हैं मुतनबा करना के मायने खबरदार करना, जस्सा के मायने हैं जिसम, रोन डालना के मायने हैं कुचल डालना, मदाखलत के मायने हैं दखल अंदाजी करना, वसी के मायने हैं बड़ा, जज करना के मायने आजिज कर देना, गुजरगाह के मायने हैं रास्ता, और अदल के मायने हैं इंसाफ। ठीक है, ये अल्फाज मायने जिस तरह मैंने आपको समझाए हैं आपने अपनी वर्क बुक में इसी तरह करने हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका सवाल नंबर 3, दुरुस्त तलफ़ुज़ सीखें और बोलने की मशक़ करें। यानी कि ये कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, आपको उन्हें दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना है। जैसे बहादुर, ठीक है, मुतनबा, सिक्कत, मंडलाना, तराना, हंकारा और मौकफ, यानी कि इनके दुरुस्त तलफ़ुज़ ये हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका सवाल नंबर 4, मतजाद लिखें। यानी कि ये अल्फाज दिए हैं उनकी आपने ज़िद लिखनी है। जैसे अजियत, अजियत का होता है आराम, दिन, दिन का होता है रात, रहम, रहम का होता है बेरहम, हकीर, हकीर का होता है मोतबर, इंसाफ, इंसाफ का होता है नाइंसाफ। ठीक है, अब है आपका इसम ज़मीर की फ़ाइली, मुजाफी और मफ़ऊली हालत के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे कि ये हालतें कैसे बदलती हैं। यानी कि आप लोगों को पता है इसमें ज़मीर क्या होता है। इसमें ज़मीर वो इसम होता है जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल हो, यानी कि जो किसी के नाम की जगह इस्तेमाल हो, जैसे वो, उसे, उस, में, ये सारे जो हैं इसम ज़मीर कहलाते हैं। अब हम इनकी फ़ाइली और मुजाफी और मफ़ऊली हालत पढ़ेंगे। जी, तो इसमें ज़मीर की फ़ाइली हालत क्या होती है, जैसे वो, और वो की जो इजाफी हालत होती है इसका, और मफ़ऊली हालत होती है इसको। ठीक है, इसी तरह वो की फ़ाइली हालत एक होती है इनका, और मफ़ऊली हालत होती है उनका। तू और तुम जो है फ़ाइली हालत होती है, इस तरह इजाफी हालत क्या होती है तेरा और तुम्हारा, इसी तरह मफ़ऊली हालत होती है तुझे और तुम्हें। तुम और आप फ़ाइली हालत होती है, इसके बाद उसकी इजाफी हालत होती है तुम्हारा और आपका, और मफ़ऊली हालत होती है तुम्हें और आपको। इसी तरह मैं जो है फ़ाइली हालत है, इजाफी हालत इसकी है मेरा, और मफ़ऊली हालत है मुझे। इसी तरह हम जो है फ़ाइली हालत है, उसकी इजाफी हालत होती है हमारा, यानी कि बहुत सारे, और मफ़ऊली हालत होती है हमें। ठीक है, इसके बाद जो है ये आपको दिया हुआ है ज़ेल की इबारत से इसम ज़मीर अलग करें। यानी कि इसम ज़मीर तो आप लोग को पता है क्या होता है, तो इन सब में जो है इसमें ज़मीर जो है उनको आपने मतलब उन पर अंडरलाइन करना है। जैसे अली मेरा दोस्त है, मेरा क्या है
इसमें जमीर, तो आप इस पे अंडरलाइन के नीचे कर देंगे, लाइन लगा देंगे, मुझे उसकी दोस्ती पर फखर है, तो उसकी जो क्या है इसमें जमीर, वो इस साल जमात में अव्वल आया, वो क्या है इसमें जमीर, उस्ताद ने हमें इनाम दिया, हमें क्या है इसमें जमीर, तुम्हारा मेरा क्या ताल्लुक, तुम्हारा और मेरा क्या है इसम जमीर, उन्हें खेलने दो फिर आपकी बारी आएगी, उन्हें और आपकी क्या है इसम जमीर, क्योंकि नाम की जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, शहरियार में और हमारे, शहरियार में और हमारे हम जमात शेर को गए, हमारे में क्या है ये दोनों इसमें जमीर कहलाते हैं, क्योंकि ये किसी नाम की जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, आपने इन सब में अंडरलाइन करना है। इसके बाद है फाइली हालत, इजाफी हालत, मफूली हालत जो हमने पीछे पढ़ी है उसको हमने मतलब फिल करना है, खाली जगह फुल करनी है, जिस तरह मैं की इजाफी हालत क्या होती है मेरा, और मैं की मफूली हालत होती है मुझे, इस तरह हमें देखे हमें लिखा होगा, हमें की इजाफी हालत होती है हमारा, और हमें की फाइली हालत होती है हम, इसी तरह लिखा हुआ इजाफी हालत उसका, उसका की फाइली हालत क्या होती है वो, और उसका की मफूली हालत होती है उसको, ठीक है, इस तरह उन्हें मफूली हालत लिखी हुई, उन्हें की इजाफी हालत क्या होती है उनका, और उन्हें की फाइली हालत क्या होती है वो, इसी तरह तुम्हारी इजाफी हालत है, इसकी मफूली हालत होती है तुम्हें, और इसकी फाइली हालत होती है तो, आप फाइली हालत है, इसकी इजाफी हालत होती है आपका, और इसकी मफूली हालत होती है आपको, ठीक है, ये आप इसी तरह फिल करना है जिस तरह मैंने आपको समझाया है पेज नंबर 59 में, ठीक है। इसके बाद बराए मेहरबानी मोरखा 9 जनवरी 2021 बरोज हफ्ता अपना ये काम जमा करवाएं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर